आज मैं अभी आपको न्यूयॉर्क की एक खास चीज बताना चाहता हूँ। मैं एक बेकरी के बाहर खड़ा हूँ और इस बेकरी के बारे में बताने का मकसद ये है कि आप में से कोई भी अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसकी क्वालिटी का अचीवमेंट या उसका स्तर जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि लोग वहाँ तक आने के लिए लाइनों में लगे। ये डोमिनिक एंसल इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो अंसल ही बोलेंगे, लेकिन अंसल प्लाजा नहीं है। तो डोमिनिक एंसल है ये, और बेकरी के मामले में इनकी बड़ी धूम है न्यूयॉर्क में। हम तो सुबह सुबह गए थे, इनकी कई चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन जो बेहतरीन बात यह है कि क्वालिटी, हम सब आप सब जो भी बिजनेस करना चाहते हैं क्वालिटी ऐसे इस तरह से रखिए कि शहर में लोग उसे खाने के लिए, वो चीज़ खरीदने के लिए घंटों इंतज़ार भी करें, मगर वो जिद हो कि यही चीज़ खानी ही है। इसी वजह से ये इतना व्यस्त शहर है, लेकिन आप देखिए कि बहुत दूर अमलतास के पेड़ के नीचे, ये अमलतास ही अमलतास ही होता है, लेकिन लोग इस तरह से बच्चों को गोद में लेकर देर से धीरज के साथ खड़े हैं। अंदर काफ़ी भीड़ है, आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी है, पर ये सीखने की बात है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे अपने शहर में इस तरह से बनाने वाले लोग नहीं हैं, बिल्कुल हैं। मिठाइयाँ या खाने पीने की चीज़ें हर शहर में, जौनपुर से लेकर चांदनी चौक तक में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमाल की क्वालिटी मेंटेन की है, और कई पीढ़ियों से लोग वहाँ पर खाने जाते हैं। मगर उसे ब्रांड में बदलने की बात है, उससे बिजनेस को बड़ा करने की बात है कि जिससे एक ही दुकान पे सेठ जी ना बैठे रहें बल्कि बहुत सारे लोग आएं और उसकी फ्रेंचाइजी खुल जाए और लोग बिजनेस करें। तो आप में से जो कोई भी इस वक्त बिजनेस करना चाहता है, अपना कुछ भी करना चाहता है, तो ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप क्वालिटी पे बहुत ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ बनाइए, अच्छा स्वाद हो, अच्छा सामान हो, और बिजनेस को हमेशा बड़ा